हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा कटऑफ से रिलेटेड, बट उससे पहले आपको बता दूं हमारा एक फेसबुक पर पेज है एसएससी कोर के नाम से। अगर जिन्हें नहीं पता है वो जाकर सर्च कर सकते हैं तो आपको ये पेज मिल जाएगा और आप इसे लाइक और फॉलो कर देना। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एसएससी सीजीएल 2019 की रैंक के बारे में, जो टीयर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके। तो ये मैंने जो किया है वो रिग्रेशन टेक्निक के बेस्ड पर किया है, ये जो भी प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। तो आपको बताऊंगा इस एनालिसिस को मैंने कैसे किया है। जो भी स्टैट पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा रिग्रेशन टेक्निक क्या होती है। इस टेक्निक में मैंने सैम्पल साइज जो लिया है वो कट ऑफ लिया, जो रिज़ल्ट अभी आया था वो, और ये अप्रोक्स है कुछ नेचर में। इस टेक्निक को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये फॉरकास्ट के लिए यूज़ होती है। एक और टेक्निक होती है मैथमेटिक मॉडलिंग, वो भी आप यूज़ करके देख सकते हैं अगर जिन्हें नॉलेज है इस बारे में। तो हालांकि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये टेक्निक मैंने कैसे यूज़ की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं। अब जिनके मार्क्स 205 से ऊपर होंगे उनकी रैंक कुछ 1 to 70 के बीच में लाई करेगी। हो सकता है ऐसे 5 EWS हो और 25 OBC हो, SC के भी हो सकते हैं कुछ लोग, पर वी कैन नॉट बी श्योर। ये डाटा जो एनालिसिस है इससे सिर्फ प्रिडिक्टिव एनालिसिस हुई है, वी आर नॉट फुली श्योर। बट हाँ, कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है पैटर्न भी। 200 से ऊपर वाले कुछ इस 60-65 OBC हो सकते हैं और 100-110 के बीच में जनरल। जो आपको 5 नंबर में वेरिएशन देखने को मिलेगा नीचे, वो 300 का डाउनवर्ड होगा, मतलब 300 लोग ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उतने उतने स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे। अब देखिए 500 से अगर मैं और आगे चलता हूँ तो कुछ 600-700 लोग बढ़ जाते हैं 190 तक जाते जाते। फिर और नीचे जाएंगे तो 1000 कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे। और ये जो मैंने रैंक बताई है ये गाइज ऑल इंडिया रैंक है, मतलब इसमें सारी कैटेगरी की रैंक्स हैं। तो वो मैंने इसलिए साइड की रो में समझा भी दिया है। ऐसे ही अगर 185 पे देखेंगे तो 185 पर भी कुछ 1100-1200 का चेंज देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे नीचे जाते जाते ये नंबर बढ़ते जाएंगे। अब जैसे अगर हम 4000 को देखें तो 4000 में कितने 1800 कैंडिडेट्स और आ जाएंगे 180 पर, यही कट ऑफ में देखने को मिला है। तो रिग्रेशन टेक्निक बेसिकली करती क्या है, अगर आपने कोई डेटा फिल किया है उसके अंदर, मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, पूरा दिखाऊँगा भी कैसे वो वर्क करती है। ऐसे ही 175 पर इतने स्टूडेंट्स होंगे, आपकी रैंक कुछ इधर इस बीच में लाई करेगी। आप देख सकते हैं फिर कितने कैंडिडेट्स बढ़े। तो ये सारा एनालिसिस पूरा प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। 170 पे देखेंगे 12000 है, फिर सारे आप वीडियो को पॉज कर कर भी देख सकते हैं अपनी रैंक। फिर इस 165 के आसपास तक ESM की कैटेगरी वाले लोग भी आना शुरू कर देंगे। तो ESM एक्स सर्विस मैंने आप बताओ, जिन्हें नहीं पता है तो बता देता हूँ, तो 30 के अराउंड वो भी आ जाएंगे 165 पर, और 20000 के अप्रोक्स रैंक बनेगी जिसमें 10000 आपकी UR रैंक होगी। तो गाइज इस बार सीट्स भी कम है, अगर आपके 165 के अप्रोक्स मार्क्स है तो आपको प्रिपरेशन करने की, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है अगर आप UR कैटेगरी में है। तो 160 पर अगर देखें तो 29000 रैंक कुछ होगी, 14000 UR की होगी, EWS में 4300। तो इतने पर भी अगर आप हैं तो भी सीट्स कम है, आप TA2 में गेम चेंज कर सकते हैं। तो इस रैंक को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर आप बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, कट ऑफ जो गई है उसी पर है, तो उस पर 61000 पीपल सेलेक्ट हुए, 26000 UR है। गाइज कट ऑफ 147.7 है, उससे ज़्यादा है, इसलिए कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे मैंने जो कैंडिडेट्स लिए। तो आप देखेंगे कि SC में रैंक कितनी होगी। तो अगर SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको भी इतने मार्क्स पर बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि सीट्स कम है। अब 135 पर अगर मैं देखूं जो OBC और EWS की अप्रोक्स कट ऑफ गई है तो उस पर भी इतने कैंडिडेट्स हैं। तो बॉर्डर पर अगर आप बिल्कुल हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अब मैं बता दूं ये जो मैंने रैंक एनालिसिस किया है कैसे किया प्रेडिक्टिव, आपको अगर एक्सेल यूज़ करना आता है तो आप फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ये विंडो पॉपअप खुलेगी आप देखेंगे, अभी फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्राउज़र व्यू ऑप्शन नहीं, लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। तो आपको ऐसा एक पैनल खुलेगा एक्सेल का, ऐड इन पर क्लिक करना है, ऐड इन पर मैनेज में नीचे सबसे गो, तो आप जब क्लिक कर देंगे तो ऐसे ऐड इन्स आ जाएंगे। तो आप उस पर देख सकते हैं एनालिसिस टूल पैक और सॉल्वर ऐड इन। तो मैंने एनालिसिस टूल पैक यूज़ किया है, सॉल्वर से मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं। फिर डेटा एनालिसिस पर जाएंगे, वहाँ पर से ये खुलेगा। तो ऐसा पॉपअप ओपन होने के बाद डायलॉग बॉक्स आपको पे क्लिक करना है रिग्रेशन पर, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। बट इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी गाइस, मुझे 4-5 घंटे लग चुके। इनपुट्स को दो मैंने रेडी किया है, सारे डेटा को फिल इन किया है, उसके बाद मैंने ये सब जो आपको सेलेक्टेड पोर्शन दिख रहा है इसमें सेलेक्ट किया है वैल्यूज़ डाल के, तब ये
चार्ट आया है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।